So next is a OPAM configuration. OPAM configuration जो है वो दो टाइप के रहते हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप. तो ओपन लूप मोड और क्लोज लूप मोड दो कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं ओपीएम के. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ओपीएम इन दिस मोड. तो देखो फर्स्ट है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपीएम. ओपन लूप मतलब क्या कि जिसको कुछ फीडबैक नहीं दिया जाता, मीन्स नो पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड एज अ इनपुट. द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपीएम डिस्कस टिल नाउ इज करस्पॉन्डिंग टू द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. जो हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा अभी लास्ट लेक्चर में, तो वो है इसके बारे में है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. मीनिंग ऑफ ओपन लूप ऑपरेशन इज दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो फीडबैक प्रेजेंट फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. दैट मींस नो पार्ट ऑफ द आउटपुट गेट्स कनेक्टेड टू द इनपुट. ये है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम. यहाँ पे डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है वी वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जो नॉन इन्वर्टिंग को दिया वी वन, इन्वर्टिंग को दिया वी टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है वी डी. VD मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज V1 माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज V2. तो ये होगा हमारा VD, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज. ये हमारा ओपैम, ये है ओपैम इन द ओपन लूप मोड. और ओपैम के आउटपुट में हमें मिलेगा VO, आउटपुट वोल्टेज. और आउटपुट वोल्टेज कैसे रहता है, ऑलवेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज. और ये ओपन लूप का गेन मतलब क्या, ये AV, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें मालूम है कि बहुत कम वीडी भी रहा, प्रैक्टिकल ओपन अगर हमने कंसिडर किया तो बहुत कम इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज रहा और वो पॉजिटिव रहा, तो आउटपुट में डायरेक्ट हमें सप्लाई वोल्टेज मिलता है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलता है पॉजिटिव. और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज बहुत कम, मतलब -60 वोल्ट माइक्रो वोल्ट तक भी रहा निगेटिव में, तो आउटपुट में हमें -Vset मिलता है. -Vset मतलब मैक्सिमम निगेटिव वोल्टेज. ओके, तो आउटपुट वोल्टेज हमें ऑलवेज सप्लाई वोल्टेज के 90% मिलता है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में. तो देखो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर शोज द कनेक्शंस ऑफ द ओपन इन द ओपन लूप मोड. ये मैंने डिस्कस किया आपको अभी कि वी वन वी टू डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज वी वन माइनस वी टू. सो वी ओ क्या रहता है, वी ओ रहता है ए वी इंटू वी डी. ए वी इज इक्वल टू ए वी, वी डी मतलब क्या, वी वन माइनस वी टू. तो ये कितना रहता है, प्लस माइनस वी सेट. और ये वी सेट क्या रहता है, ये मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है जो ओपीएम के आउटपुट में हमें मिलता है. और वो कितना रहता है, प्लस वी सेट मतलब सप्लाई वोल्टेज जो रहता है प्लस वी सी सी उसके 90%. और माइनस वी सेट मतलब सप्लाई वोल्टेज जो रहता है माइनस वी ई ई उसके 90%. डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ वीडी, वीडी की क्या पोलरिटी है. वीडी अगर पॉजिटिव है तो प्लस वी सेट मिलेगा, वीडी अगर निगेटिव तो माइनस वी सेट मिलेगा. वीडी पॉजिटिव कब रहेगा, जब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा रहेगा. जब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा रहेगा, इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम रहेगा, तब दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. क्योंकि वी वन ज्यादा वी टू कम, तो वी वन माइनस वी टू ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. ये डिफरेंस पॉजिटिव आया मतलब वीडी पॉजिटिव है. और वीडी जब पॉजिटिव रहेगा तब आउटपुट में हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा. तो क्या मिलेगा, प्लस वी सेट. प्लस वी सेट मतलब ये वी सी सी जो रहता है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज उसके 90%. और अगर ये वी वन कम है वी टू ज्यादा है तो वी वन माइनस वी टू ये डिफरेंस निगेटिव आएगा. ये डिफरेंस निगेटिव मतलब वीडी निगेटिव. ये वीडी मतलब ये दोनों का डिफरेंस है ना, तो वीडी निगेटिव. और वीडी निगेटिव मतलब आउटपुट में निगेटिव आउटपुट मिलेगा, निगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. तो वो निगेटिव आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या, माइनस वी सेट. माइनस वी सेट कितना रहता है, ये जो यहाँ पे वी कनेक्ट किया रहता है हमने निगेटिव सप्लाई वोल्टेज उसके 90% रहता है. तो ये अगर 15 वोल्ट रहा तो हमें ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, माइनस वी सेट. तो ये भी 15 वोल्ट अगर रहा पॉजिटिव तो आउटपुट में ज्यादा से ज्यादा 13 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसका 90%. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ द वीडी आउटपुट वोल्टेज विल बी आइदर प्लस वी सेट और माइनस वी सेट. एज ए वी इज वेरी हाई, अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वीडी विल ड्राइव द ओपन इन टू पॉजिटिव और निगेटिव सेचुरेशन. जो हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट के लेक्चर में कि वीडी बहुत कम भी रहा, मतलब -60 माइक्रो वोल्ट उतना भी रहा तो हमें आउटपुट में माइनस वी सेट मिलेगा. और प्लस 60 माइक्रो वोल्ट रहा तो आउटपुट हमें प्लस वी सेट मिलेगा. तो बहुत कम इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज में भी ओपीएम का आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली मैक्सिमम मिल जाता है. तो ये लीनियर एम्पलीफिकेशन नहीं करता ये ओपीएम. सो वोल्टेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज. इट इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू यूज ओपीएम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन इन लीनियर एम्पलीफिकेशन. ओपीएम ये लीनियर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं करते, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, फीचर्स क्या क्या उसके, उसको फीडबैक नहीं लगता.
वेरी हाई वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन ज़्यादा है, कैन नॉट बी यूज एज ए लीनियर एम्पलीफायर। ये लीनियर एम्पलीफायर का में उसका यूज नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम इनपुट वोल्टेज दिया तो डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज हमें मैक्सिमम मिल जाता है, और उसके बाद कितना भी वोल्टेज इनपुट जो दिया तो उसका आउटपुट वोल्टेज हमें कॉन्स्टेंटली मिलता है। मतलब क्या एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं, -60 माइक्रो वोल्ट इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा उसका एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं, एज एज पर द लास्ट एग्जाम्पल्स दैट वी हैव टेकन। देखो वेव फॉर्म डिस्टोर्शन उसमें होता है, उसमें वेव फॉर्म डिस्टोर्शन भी होता है। देन नेक्स्ट है ओपन लूप ओपन इन क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन। अब क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन में क्या होता है, इन द क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन सम काइंड ऑफ फीडबैक इज इंट्रोड्यूस इन द सर्किट, अ पार्ट ऑफ आउटपुट इज रिटर्न बैक और फेड बैक टू द इनपुट। ठीक, ये पॉजिटिव फीडबैक रहता है जिसको रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक रहता है जिसको डीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक के दो टाइप रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ओरिजिन इनपुट सिग्नल आर इन फेज विद ईच अदर, देन इट्स कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। इनपुट और ओरिजिन जो आउटपुट से आने वाला सिग्नल है दोनों अगर सेम फेज में है, 0 डिग्री फेज में, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं या रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक जनरली ऑसिलेटर में यूज किया जाता है, और निगेटिव फीडबैक ये में क्या होता है, आउटपुट से आने वाला सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, और उससे डीजनरेटिव फीडबैक उसे बोलते हैं, और ये जनरली हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं। ओके, हम किस में यूज करते हैं निगेटिव फीडबैक, एम्पलीफायर में। तो देखो ये है क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओप एम्प, ये डायग्राम है क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन। इसमें क्या होता है, देखो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को V1 दिया, इनवर्टिंग टर्मिनल को V2 इनपुट दिया, ये ऐसे आउटपुट ले रहे हैं पिन नंबर 6 से, और ये आउटपुट एक रजिस्टर थ्रू हमने क्या किया, इनपुट को कनेक्ट किया, उसको बोलते हैं फीडबैक रजिस्टर। और ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया है हमने उसको बोलते हैं फीडबैक अरेंजमेंट। तो इससे क्या होता है, ये हम जनरली नेगेटिव फीडबैक उसको देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक टू द ओप एम्प। मतलब ये आउटपुट की फेज शिफ्ट है नेगेटिव, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, और ये जो इनपुट है वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट वाला है। तो आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्ट और इनपुट 0 डिग्री फेज शिफ्ट, उनमें फेज शिफ्ट कितना हो गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया, तो इसलिए उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। और अगर दोनों की भी सेम फेज ही रहा, आउटपुट का भी सेम फेज रहा और इनपुट का भी सेम फेज रहा, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। और पॉजिटिव फीडबैक हम कहाँ देते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन ऑफ ओप एम्प। ओके, सो ओप एम्प्स क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन। सो उसके कुछ कंपेरिजन से ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन के, वो भी हम देखेंगे। पैरामीटर टाइप ऑफ फीडबैक, ओपन लूप कॉन्फिग्रेशन में नो फीडबैक, क्लोज लूप में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। वोल्टेज गेन ओपन लूप का 2×10⁵ रहता है ऐसे 7 प्रोन के लिए, और इसमें लो रहता है। अब वो लो कैसे रहता है, वो डिपेंड करता है फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, वो हम हमारे आने वाले टॉपिक में देखेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है ओपन लूप कॉन्फिग्रेशन का, और क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन का डिपेंड करता है सर्किट पे। आउटपुट रेजिस्टेंस लो रहता है और इसका वेरी लो रहता है। ओके, फिर बैंडविड्थ हाई रहती है ओपन लूप कॉन्फिग्रेशन की, और इसकी वेरी हाई रहती है क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन। एप्लीकेशन कंपैरेटर का, कंपैरेटर एप्लीकेशन रहता है उसका ओपन लूप का, क्लोज लूप का लीनियर एम्पलीफायर रहता है। ओके, कॉन्फिग्रेशन डिफरेंशियल इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, या फिर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन होता है इसमें, इसका ड्रॉबैक है ओपन लूप का क्लोज लूप का लो गेन होता है, स्टेबिलिटी उसमें लो होती है ओपन लूप में, इसमें हाई होती है। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ओपन लूप का, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है क्लोज लूप का। ये हम आने वाले हमारे टॉपिक में देखेंगे कैसे क्यों रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फिगरेशन।